नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिरला डी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। करीब एक सप्ताह पूर्व नहर किनारे जौनपुर जिले के रहने वाले एक व्यक्ति की हत्या कर फेंके गए शव के मामले में सनसनीखेज खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी व भांजे सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दावा किया कि मृतक की पत्नी के कहने पर मृतक के भांजे ने अपने साथी संग मिलकर चाकू मारकर हत्या कर शव को नहर किनारे फेंक दिया था। बीते 26 सितंबर को दीदारगंज थाना क्षेत्र के आमगांव नहर के किनारे एक व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। शव की शिनाख्त 28 सितंबर को मृतक के भाई विनोद राजभर ने अपने भाई मनोज राजभर निवासी उसरदा मौलानापुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर के रूप में की। मृतक के भाई ने इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। घटना का खुलासा करने के लिए पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने दीदारगंज स्वाट व सर्विलांस को लगाया। पुलिस टीम ने पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर मृतक की पत्नी ललिता देवी निवासी उसरदा मौलानापुर थाना शाहगंज जनपद जौनपुर, मृतक के भांजे शिवम राजभर निवासी ग्राम जेठहरी थाना दीदारगंज और प्रिंस प्रताप राजभर उर्फ लकी निवासी ग्राम जेठहरी दीदारगंज को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने घटना के प्रयुक्त चाकू, बाइक आदि सामान बरामद किया। अपर पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ने बताया कि मृतक मनोज राजभर के घर पर उसका भांजा शिवम रहता था। मृतक आए दिन शराब पीकर नशे में आता और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ मारपीट व गाली गलौज करता था। इस हरकत से उसकी पत्नी ललिता राजभर काफी परेशान थी। पति से छुटकारा पाने के लिए पत्नी ललिता ने अपने भांजे के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई। हत्या के लिए भांजे शिवम ने अपने दोस्त प्रिंस प्रताप राजभर को तैयार कर उसी की मोटरसाइकिल से आमगांव नहर के पास आए। 26 सितंबर की रात को शिवम ने अपने मामा मनोज राजभर की चाकू मारकर हत्या कर दिया और शव को नहर किनारे फेंक कर फरार हो गए थे। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आला कत्ल चाकू व बाइक बरामद की गई है। दीदारगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत 26 तारीख को एक डेड बॉडी मिली थी। लगभग 35 साल का युवक था। उसके शरीर पे चोट के निशान थे, गर्दन पर और सीने पर। इस संदर्भ में FIR पंजीकृत की गई थी और दीदारगंज पुलिस के बहुत ही सक्रिय भूमिका रही है इसमें। इन्होंने सर्विलांस और विवेचना के दौरान बहुत शीघ्रता से इसका अनावरण किया है। इस घटना के पीछे जो मुलजिम निकल के आए हैं वो मृतक किशन की पत्नी है, उसका भांजा है और उसके भांजे का दोस्त है। घटना का पूरा विवरण इस प्रकार निकल के आया है कि इनका जो कहना है कि मृतक मनोज राजभर अपनी पत्नी को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था, उसके साथ मारपीट करता था। इससे दुखी होकर उसकी पत्नी ने उनको मारने के लिए कहा था, जिससे उसके भांजे ने और उसके दोस्त ने मिलकर उसे शहर निकालने के बहाने ले आए और रास्ते पर चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर दी थी। इसमें तीनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली गई है, पूछताछ की गई है। इसमें और विवेचना की जा रही है, जो भी मोटिव निकल के आएगा वो आगे आपको बताया जाएगा। इसमें अग्रिम पुलिस कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। संबंध क्या था जिसकी हत्या की गई, उससे इसका संबंध क्या था? किससे? जो मृतक है, मृतक की पत्नी पर ही आरोप है। मृतक की पत्नी ने ही इस बात को पूरी तरह बताया है कि उसने उसकी हत्या करवाई है इसमें लग के। और उसका इंटरेस्ट ये था कि वो उसके साथ बहुत मारपीट करता था, 20 साल शादी को हो गए, बहुत प्रताड़ित था, इसलिए उसने उसकी हत्या कराई है और अपने भांजे की मदद से और उसके मित्र की मदद से कराई है। मामा की हत्या के आरोपी भांजे शिवम ने बताया कि मामा मामी को बहुत परेशान करते थे, जिससे परेशान होकर मामी के कहने पर उसने मामा की हत्या कर दी, लेकिन आज उसे अपनी गलती पर पछतावा है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था। सर, मेरे मामी बहुत परेशान करते थे और फोन करके मेरे यहाँ बार बार बोल रही थी मुझको कि मार दो, ये कर दो, वो कर दो, बहुत परेशान है। सर, मैं मना कर रहा था, नहीं मानने के लिए कह रहा था, फिर बार बार मेरे यहाँ फोन कर रही थी, फिर भी तभी। सर, ये बात कितने दिन से चल रहा था? ये सर बहुत दिन से चल रहा था। अच्छा, मारने से पहले आपने नहीं सोचा कि आप अपनी मामा कैसे बताए? सर, अब गलती से हो गया, फिर बहुत पछतावा हो रहा है। अब कौन कौन लोग शामिल थे इसमें? सर, हम और
लक्की और मेरी मामी और इनके एक छोटा सा बेटा आया, वो सभी लोग मिलके। जी सर। मंगलवार की सुबह लगभग 8 बजे विद्युत विभाग की कार्यशाला में अज्ञात कारणों से अचानक आग लग गई। कार्यशाला का स्क्रैप यानी कबाड़ जल गया, ट्रांसफार्मर भी आग की चपेट में आ गए। मौके पर हड़कंप मच गया, हॉल से आग की लपटें उठ रही थी और पानी डालने पर धुआं का गुबार आसमान में उड़ रहा था। पास में रहने वाले लोग दहशत में आ गए। आग इतनी भयावह थी कि मौके पर पहले 2 गाड़ियां के साथ पहुंचे अग्निशमन विभाग को आग पर काबू पाने के लिए 2 गाड़ियां और बुलानी पड़ी। तब तक लाखों का स्क्रैप जल गया। इस वर्कशॉप में जिलों में खराब हुए ट्रांसफार्मर की मरम्मत की जाती है। सैकड़ों की संख्या में ट्रांसफार्मर रखे रहते हैं जिनका स्क्रैप एक हॉल में रखा जाता है। दमकल कर्मियों के प्रयास से लगभग 5 घंटे में आग बुझाई जा सकी। संयोग रहा कि बगल स्थित नए व मरम्मत किए गए ट्रांसफार्मर हाल तक आग नहीं पहुंची, अन्यथा स्थिति और खराब होती और करोड़ों रुपए का नुकसान होता। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण बताया जा रहा है। बावजूद इसके इसकी जांच के लिए विभागीय टीम गठित की जाएगी। अधिशासी अभियंता वर्कशॉप रवि अग्रवाल ने बताया कि सुबह लगभग 8 बजे वर्कशॉप में आग लगने की सूचना गार्ड ने दी। विभागीय अधिकारी कर्मचारी और फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंच गई। चूंकि स्क्रैप हाल में पुराने ट्रांसफार्मर से निकाले गए तार में तेल लगा था, इसलिए आग तेज थी। आग बुझने के बाद अंदर जाकर देखने पर पता चला कि पुराने ट्रांसफार्मर से निकाले गए तार में आग लगी है, जिससे कोई नुकसान नहीं हुआ है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने का कारण हो सकता है, फिर भी इसकी जांच कराई जाएगी। वर्कशॉप में सभी फायर सिस्टम लगे थे लेकिन आग भयावह थी, इसलिए वह भी काम नहीं आ सका। आज करीब 8:05-8:10 ऐसे ही बहुत तेज फॉल्ट हुआ था, यहीं पे सिदारे में आवाज आई थी। फिर तत्काल पता चला है कि आग लग गई है वर्कशॉप के अंदर। तुरंत आया गया, जितने यहाँ कर्मी थे उन्होंने तुरंत आग बताने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड को भी तुरंत इत्तला करा और वो भी आए। करीब 8:30-8:30 तक करीब फायर ब्रिगेड आ गया और आग पे इस टाइम नियंत्रण पा लिया गया है। आग स्क्रैप रूम पे लगी थी जो उसके अब उसी टाइम जैसे 33 की भी लाइन कंदरापुर की और भी लाइनें ब्रेकडाउन में गई थी, तब उनका चेक किया जा रहा है कि उसके लिए भी कि क्या टाइमिंग रही है, क्या कारण रहा है। बाकी इसमें ऐसा कोई किसी की जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ, सब कुछ सुरक्षित है। कोई और वित्तीय हानि बोले तो ऐसा स्क्रैप था तो ऐसा कोई वित्तीय हानि भी नहीं हुई है और आग पर नियंत्रण इस टाइम है, आग नियंत्रित है। आग लगने का कारण ये जैसे अभी मैंने बताया कि 33 केवी कंदरापुर लाइन जिसकी केबल यहीं पीछे से जाती है और भी लाइनें हैं, अभी उसकी जांच की जा रही है, उसके बारे में कंफर्म करके बताया जाए कारण क्या है, क्योंकि अभी पता चला है उस टाइम, अभी पता ही चला है, कंफर्म नहीं कर सकता कि उसी टाइम 440 MVA का ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन से वहाँ भी ट्रिप हुआ है, तो उस टाइम सिंक्रोनाइजेशन में 2-3 लाइनें ट्रिप हुई हैं, तो किसके कारण क्या फॉल्ट आया है तो एक बार जांच करके ही पता चलेगा। किसी जान माल की कोई ऐसी हानि नहीं हुई है, सब लोग सुरक्षित हैं ईश्वर की कृपा से और इस टाइम आग भी नियंत्रित है, आग कंट्रोल कर लिया गया है और अब वापस रिस्टोरेशन का काम शुरू हो जाएगा। तुरंत आग पर नियंत्रण करने के बाद ही काम शुरू हो जाएगा। गौरतलब है कि मरम्मत के दौरान ट्रांसफार्मर से निकला तेल जमीन पर पड़ा रहता है, उसके कारण भी आग का तेजी से फैलना एक कारण हो सकता है। प्रभारी अग्निशमन अधिकारी बनारसी दास ने आग लगने के पीछे विभाग की लापरवाही को मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि स्क्रैप गलत तरीके से रखा गया था, वहां वेंटिलेशन की सुविधा नहीं थी जिसके कारण आग विकराल हो गई। देखिए जो है हमको सूचना फायर स्टेशन पर 8:19 पर मिली है कि जो हाइड्रिल के में आग लग गई है। हम तत्काल जो है 2 गाड़ी लेकर यहाँ पर मौके पर पहुँचे तो देखे जो है यहाँ आग लगी हुई है। वर्कशॉप के अंदर जो है ये रखे थे, स्क्रैप रखे हुए थे स्टोर, वो भी गलत तरीके से रखा गया था, उसको बाहर रखना चाहिए था, वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं थी। आग तो बहुत भयानक था लेकिन फायर सर्विस की 2 गाड़ी और मंगा लिए थे, चारों गाड़ियां जो है और तालाब सटे था उसमें पंप भी 2 लगवा दिए थे, चारों तरफ से घेर लिए, तो अगल बगल जितनी भी प्रॉपर्टी थी ट्रांसफार्मर वगैरह नया
वो सारी चीज़ें बचा ली गई थी, केवल जो है कबाड़ जो है स्क्रैप जो था उसी में आग लगी थी। हाँ तो लगभग जो है वो कबाड़ का अनुमान ये लोग बता सकते हैं, जनहान जीरो है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख रहे हैं कि इस समय आग लगभग 99% हम खत्म कर लिए हैं, 1% रह गया है। बड़ौदा यूपी बैंक के कर्मचारी और अधिकारी ज्वाइंट फोरम ऑफ बड़ौदा यूपी बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार को हड़ताल पर रहे। बैंक की सभी यूनियनों अरबिया, बीएमएस, एआईबीए, एआईबीओए, आईबॉक, इंटक के हड़ताल में शामिल रहने के कारण जनपद के सभी 88 शाखाओं में ताले लटके रहे एवं लगभग 60 करोड़ का लेन देन प्रभावित हुआ। कर्मियों ने शाखाओं को बंद कर सिधारी स्थित बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय पर धरना दिया। धरने को संबोधित करते हुए यूनाइटेड फोरम के डिप्टी चेयरमैन सुभाष चंद्र तिवारी कुंदन ने बैंक प्रबंधन के तानाशाही रवैये की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करते हुए प्रबंधन द्वारा विभिन्न कैडर में रिक्त सैकड़ों पदों पर भर्ती नहीं की जा रही है। बैंक के 268 शाखाओं को बंद करने पर विचार किया जा रहा है, जिसको लेकर कार्मिकों में भारी असंतोष है। अगर संगठन की मांगे पूरी नहीं हुई तो अनिश्चितकालीन हड़ताल होगी और बड़ौदा गुजरात व राजस्थान बैंक में भी आंदोलन होगा। इम्प्लाइज फेडरेशन के अध्यक्ष एलके सिंह ने अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का विरोध किया और प्रायोजक बैंक के अनुरूप समस्त सुविधाएं लागू करने, मित्रा कमेटी के अनुसार रिक्त पदों पर प्रोन्नति, सीधी भर्ती करने व प्रायोजक बैंक के अधिकारियों को वापस करने की मांग की। संचालन निशांत सिंह ने किया। इस मौके पर द्वारिका राय, रामेश्वर सिंह, अमीर अहमद, सुभाष श्रीवास्तव, आशीष तिवारी, आरडी सिंह, आलोक सिंह, सुनील प्रताप, संदीप मौर्य, आशुतोष सिंह, पीयूष ठाकुर, शुभम सिंह, प्रतीक कुमार, मनीषा कुमारी आदि मौजूद रहे। और यहाँ पर रीजनल ऑफिस है, ये सभी की सभी बंद है। सारे स्टाफ ताले, बैंकों में ताले लगे हुए हैं और आज यहाँ जो है प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बैंक के सभी यूनियनों के लोग अरबिया से श्री निशांत सिंह जी, यह राजेश श्रीवास्तव बीएमएस से, रिटायरी फेडरेशन से श्री द्वारिका राज, श्री रामेश्वर सिंह, सुभाष श्रीवास्तव और तमाम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के मैनेजमेंट द्वारा जो है, जो बैंक ऑफ बड़ौदा से स्पॉन्सर तीनों आरआरबी हैं, बड़ौदा यूपी बैंक, बड़ौदा राजस्थान बैंक और बड़ौदा गुजरात बैंक, हर जगह 3 वर्ष से जो है रिक्रूटमेंट बंद किया गया है। जबकि भारत सरकार का स्पष्ट गाइडलाइंस है कि मित्रा कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार ये वैकेंसी निकाली जाए और उससे जो है प्रमोशन और सीधी भर्ती से भरा जाए, लेकिन 3 वर्ष से सीधी भर्ती यहाँ पर बंद है। प्रमोशन भी जितनी आवश्यकता उस अनुरूप नहीं हो रहा है, बल्कि स्केल 5 का जो हमारा पद है वह पूरा न होने के कारण जो है बैंक ऑफ बड़ौदा से यहाँ पर स्टाफ बुलाए गए हैं। इसी बीच एक प्रस्ताव और आ गया है कि बैंक की 268 शाखाएँ, जबकि उसमें अधिकांश शाखाएँ लाभप्रद की हैं, बहुत बड़ी बड़ी शाखाएँ जैसे आजमगढ़ में बिंद्रा बाजार, लालगंज, बिलरियागंज में भगतपुर शाखा, इस तरह के शाखाओं को भी बंद करने के पर विचार किया जा रहा है। इन सबको लेकर हम जो है विगत काफ़ी दिनों से आंदोलित है। इसके पहले इसी क्षेत्रीय कार्यालय में प्रदर्शन किया गया था। 25 सितंबर को प्रधान कार्यालय गोरखपुर में धरना दिया गया, वहाँ पर जो है चेयरमैन को ज्ञापन भी दिया गया। 30 सितंबर को उनसे वार्ता हुई, लेकिन वह अपनी हठधर्मता बनाए हुए हैं। फिर 1 अक्टूबर को जो है डिप्टी लेबर कमिश्नर कानपुर के यहाँ भी समझौता वार्ता चली, लेकिन वह वार्ता भी विफल रही। इन सब स्थिति में सारे कर्मचारी स्ट्राइक पर जाने को बाध्य हो गए हैं और आने वाले दिनों में बड़ौदा यूपी बैंक, बड़ौदा राजस्थान बैंक और बड़ौदा गुजरात बैंक के यूनियन का भी एक ज्वाइंट फोरम बन गया है और तीनों बैंक के कर्मचारी मिलकर सबसे पहले मुंबई में बैंक ऑफ बड़ौदा के कार्यालय पर धरना देंगे और उसके बाद तीनों बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर जाएंगे। आने वाले दिनों में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी चले जाएंगे। हत्या के मुकदमे में बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंगलवार को एमपी एमएलए स्पेशल सत्र न्यायालय में पेश किया गया।
इस मुकदमे के विशेष लोक अभियोजक राधेश्याम मालवीय ने बताया कि मंगलवार को मुकदमे के 10वें गवाह सुशील सिंह की गवाही पूरी हो गई। अदालत ने अगली गवाही के लिए 16 अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर दी है। बताते चले कि 6 फरवरी 2014 को तरवा थाना क्षेत्र के एरा कला गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे मजदूरों पर फायरिंग की गई थी। इस फायरिंग में बिहार के गया निवासी मजदूर इकबाल की मौत हो गई थी तथा पांचू नाम का एक मजदूर घायल हो गया था। हत्याकांड में घटना के करीब 7 महीने बाद मुख्तार अंसारी का नाम इस घटना की साजिश रचने के तौर पर आया। इस मुकदमे में गवाही की प्रक्रिया चल रही है। विशेष संचारी रोग नियंत्रण एवं दस्तक अभियान माह अक्टूबर के शुभारंभ अवसर पर मंगलवार को सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मंडलीय जिला चिकित्सालय आजमगढ़ से रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली को रवाना करने से पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जन सामान्य को संचारी रोगों के रोकथाम, साफ सफाई, शौचालयों का उपयोग, शुद्ध पेयजल तथा ताज़ा भोजन के उपयोग के संबंध में शपथ दिलाई और प्रदेश को रोग मुक्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम शपथ लेते हैं कि व्यक्तिगत साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, अपने घर के आसपास साफ सफाई रखेंगे, अपने गांव और मोहल्ले के वातावरण को स्वच्छ रखेंगे तथा समुदाय की साफ सफाई और स्वच्छता अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। इस दौरान सांसद ने जनता से अपील किया गया कि मच्छर जनित बीमारियों से बचाव के लिए घर और कार्यस्थल के आसपास पानी जमा न होने दे, पुराने एवं खराब बर्तन डिब्बे को छत पर न रखे, पुराने टायर, प्लास्टिक के कप, फ्रिज की ट्रे, बोतलों, कबाड़, फूलदानों आदि में पानी इकट्ठा न होने दे, बुखार आने पर लापरवाही न करे एवं बिना डॉक्टर के सलाह दवा का सेवन न करे। देखिए, जागरूकता ही मुख्य उद्देश्य है और निश्चित रूप से अगर संचारी रोगों से हमें मुक्ति पाना है तो हम सबको जागरूक रहना पड़ेगा। और आज जो हम लोगों ने ये शपथ लिया है वो इसलिए भी लिया है कि हमारे आसपास साफ सफाई रखेंगे और साथ में कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह से बुखार से पीड़ित है तो उसके परिवार को प्रेरित करेंगे, उसको कहेंगे कि आप तुरंत जा कर के सरकारी अस्पताल में और जाँच करवाएँ, क्योंकि जब जागरूक रहेंगे तो ही बचाव कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से ये जो अभियान चला है वो संचारी रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ है। मुख्य चिकित्साधिकारी डॉक्टर आईएन तिवारी द्वारा जानकारी दी गई कि इस अभियान में आशाएं और आंगनबाड़ी कार्यत्रियों एवं विभिन्न अंतर विभाग जैसे नगर विकास विभाग, जिला पंचायती राज विभाग, शिक्षा विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, कृषि विभाग, सिंचाई विभाग, पशुपालन विभाग के द्वारा विशेष संचारी रोग एवं वेक्टर जनित रोगों से बचाव हेतु अभियान के दौरान विशेष योगदान दिया जाएगा। मुख्य चिकित्साधिकारी आईएन तिवारी, संक्रामक रोग एवं वीबीडी के नोडल अधिकारी डॉक्टर एके चौधरी, एएनएमटीसी सेंटर के प्रशिक्षु, दुर्गा जी फार्मेसी कॉलेज सेहदा आजमगढ़ के प्रशिक्षु स्टाफ नर्स, स्वास्थ्य विभाग, अन्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी, विद्यालय के बच्चे तथा स्वयंसेवी संस्था यूनिसेफ के प्रतिनिधि एवं मलेरिया विभाग के समस्त अधिकारी एवं कर्मचारियों ने रैली में प्रतिभाग किया। संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिनांक 3 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक एवं दस्तक अभियान दिनांक 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक समस्त सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत चलाया जाएगा। अभी तक हमारे जनपद में डेंगू के 10 चिन्हित मरीज हैं, 2 चिकनगुनिया के हैं, 3 स्क्रब टाइफस के हैं और 1 AIDS का रोगी चिन्हित हुआ है। सभी सामान्य हैं, कोई मृत्यु की सूचना कहीं नहीं है। मलेरिया के कोई केस जनपद में नहीं है। हम लोग पूरी तैयारी के साथ जनपद के चिकित्सालयों को तैयार रखे हैं। वहाँ पर बुखार के रोगियों की ट्रैकिंग हो रही है, फीवर हेल्प डेस्क बना हुआ है। वहाँ जो भी बुखार के मरीज हैं उनकी डेंगू के लिए, मलेरिया के लिए जांच हो रही है। साथ ही
उनके भर्ती की व्यवस्था है। जिला चिकित्सालय में उसकी अलग से वार्ड बनाया गया है जहाँ पर डेंगू के मरीजों को भर्ती किए जाने की व्यवस्था है। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि अपने स्तर पर ही बुखार के रोगियों को इलाज करें, अति गंभीर होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर करेंगे। हमारा ब्लड बैंक पूरी तरह से संतृप्त है, प्लाज्मा हमको यहाँ पर प्लेटलेट की कोई कमी नहीं है। हम पूरी तैयारी के साथ मानव संसाधन एवं दवाइयों के साथ तैयार हैं, कोई भी ऐसी आकस्मिकता की स्थिति नहीं बनेगी, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अभिभावकों की आवाज को मुखर रखने वाले उत्तर प्रदेश अभिभावक महासंघ ने अपने संगठन कार्यकारिणी का विस्तार किया और आगामी कार्य योजनाओं पर मंत्रणा करते हुए संगठन के संघर्ष को तेज करने का निर्णय लिया। सोमवार को बिजौरा स्थित विवेक अग्रवाल के आवास पर हुए बैठक को संबोधित करते हुए महासचिव गोविंद दुबे ने कहा कि संगठन अपने नीतियों और उद्देश्यों को लगातार पूर्ण करते हुए अभिभावकों के हित में अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं, लेकिन आज भी संगठन की जो प्रमुख मांगे हैं, जब तक उसे शासन प्रशासन पूरा नहीं करेगा तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने नई कार्यकारिणी को बधाई देते हुए आगे कहा कि संगठन को मजबूत करके ही अपनी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाया जा सकता है। आज महासंघ के पीछे अभिभावकों का जो जनसमूह खड़ा है उसकी आशाओं पर खरे उतरने की जिम्मेदारी जिला कार्यकारिणी की है। हम सभी अभिभावकों की सशक्त आवाज बनकर ही समाज के प्रत्येक तबके के बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने संगठन के नए पदाधिकारियों के नाम की घोषणा करते हुए बताया कि आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष सत्या सिंह परिहार, सचिव विवेक अग्रवाल, उपाध्यक्ष रेणु देवी, सहसचिव अमित लता सिंह, विजयलक्ष्मी शुक्ला, डीएन सिंह, अनिल तिवारी, चंदन सिंह, संजय वर्मा, जितेंद्र सिंह, आशा वर्मा, सुजीत मिश्रा को नामित किया गया। वहीं कोषाध्यक्ष आलोक कुमार पाठक व विधिक सलाहकार ज्योति प्रकाश श्रीवास्तव को घोषित किया गया। जिलाध्यक्ष सत्या सिंह व सचिव विवेक अग्रवाल ने संयुक्त रूप से कहा कि संगठन ने जो दायित्व हमें दिया है उसके लिए हम आभारी हैं। अभिभावकों की तमाम समस्याओं का निस्तारण तीव्र गति से कैसे होगा इसको लेकर शीघ्र ही एक विशेष बैठक आयोजित की जाएगी और सबके सामंजस्य के दृष्टिगत आगामी कार्य योजना तैयार किया जाएगा। साथ ही संगठन एक सदस्यता अभियान चलाएगा जिसमें अधिक से अधिक अभिभावकों को जोड़कर स्कूल प्रबंधन द्वारा किए जा रहे नियम विरुद्ध कार्यों पर रोक लगाने का काम करेगा। नए पदाधिकारियों ने एक दूसरे को माला पहनाकर बधाई दिया और अभिभावकों के हितों में आवाज उठाने का संकल्प दोहराया। इस अवसर पर महासंघ के साथी मौजूद रहे। हम लोगों ने अभिभावक महासंघ की एक बैठक यहाँ बिजौरा स्थित भाई विवेक अग्रवाल जी के कार्यालय पे की गई है। आज की बैठक का मुद्दा था संगठन में विस्तार। संगठन में विस्तार का मतलब ये था कि जो पूर्व की कमेटी थी उसमें कुछ लोग जिले के बाहर हैं, कुछ लोग किसी कारणवश व्यस्तता में रहने के कारण संगठन में थोड़ी सी कमी आ रही थी। तो आज एक नए उत्साह और नए ब्लड के साथ हम लोग यहाँ बैठक रखे और एक नया सृजन किया गया। आज आजमगढ़ में जिला कमेटी का विस्तार किया गया है और जिला कमेटी के विस्तार के क्रम में यहाँ पे आजमगढ़ का जिलाध्यक्ष सत्या सिंह परिहार जी को बनाया गया। उसी क्रम में आजमगढ़ जिला सचिव की भूमिका में भाई विवेक अग्रवाल जी को चुना गया और उपाध्यक्ष में रेणु देवी जी को चुना गया। ऐसे ही कमेटी का विस्तार करके ताकि आने वाले समय में जो भी हमारी लड़ाई है वो चाहे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ हो, चाहे वो अभिभावकों के हित की लड़ाई हो। हम ये नहीं कहते कि कभी कभी होता है कि शिक्षा स्थली में ही कोई खामी नहीं होती है, फिर भी वो उसमें एक हमारा मतलब कि संगठन का शिकार होते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि सब चीज़ पारदर्शिता के अंतर्गत आवे, चाहे वो शिक्षक हो या विद्यालय हो या अभिभावक हो या छात्र हो। तो इन सब चीज़ों की स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए आज हमने इस बैठक को पूरा किया है और आने वाले समय में निश्चित रूप से आप लोगों के हक की लड़ाई अभिभावक महासंघ बहुत ही संजीदगी से लड़ने के लिए तत्पर है।
परेशानी का। अरे बहुत लंबा रखना है ना, तो मसवाल है ना। जब तक कमिया चला है तब तक हुआ है। दहेज हत्या के मुकदमे में सुनवाई पूरी करने के बाद अदालत में आरोपी सास ससुर तथा पति को 8 वर्ष के कारावास तथा 2,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। यह फैसला जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजीव शुक्ला ने मंगलवार को सुनाया। अभियोजन कहानी के अनुसार वादी मुकदमा प्रकाश चंद्र शुक्ला निवासी आतापुर थाना तहबरपुर की पुत्री प्रियंका का विवाह वर्ष 2009 में अवनीश तिवारी पुत्र लालमणि तिवारी निवासी करनपुर इटौरा थाना अहरौला के साथ हुई थी। प्रियंका की विदाई शादी के समय नहीं हुई थी। शादी के 3 साल बाद गौने के समय जब विदाई की बात आई तभी ससुराल वालों की तरफ से वादी मुकदमा से दहेज के रूप में कार की मांग की गई। किसी तरह रिश्तेदारों के समझाने पर विदाई हुई थी। दहेज की मांग को लेकर ससुराल में प्रियंका का उत्पीड़न जारी रहा। अंततः इसी दहेज की मांग को लेकर 13 जून 2014 को ससुराल में प्रियंका की जलाकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने जांच पूरी करने के बाद पति अवनीश, सास उर्मिला तथा ससुर लालमणि के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित किया। अभियोजन पक्ष की तरफ से जिला शासकीय अधिवक्ता प्रियदर्शी पीयूष त्रिपाठी, शिवाश्रय राय तथा आनंद सिंह ने कुल 11 गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया। दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने आरोपी पति अवनीश, सास उर्मिला तथा ससुर लालमणि को 8 वर्ष के कारावास तथा 2,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली के अशरफपुर प्रधान पर महिला के साथ अपहरण कर दुष्कर्म करने सहित कई अन्य मुकदमे दर्ज है। न्यायालय की कार्रवाई से वह काफी दिनों से फरार है। न्यायालय के आदेश पर प्रभारी निरीक्षक यादवेंद्र पांडे ने मंगलवार को उसके घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा की। इस दौरान डूगी पिटवाकर लोगों को इसकी जानकारी भी कराई गई। अशरफपुर के प्रधान मोहम्मद अमिक उर्फ विद्दू के खिलाफ लगभग 6 माह पहले जियनपुर कोतवाली में महिला का अपहरण कर दुष्कर्म करने सहित कई अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस लगातार गिरफ्तारी के लिए दबाव बना रही थी, लेकिन वह ना तो गिरफ्तार हो पाया ना ही न्यायालय में हाजिर होकर अपना पक्ष रखा। 4 अगस्त 2023 को उसके खिलाफ न्यायालय द्वारा गैर जमानती वारंट जारी किया गया, बावजूद इसके उसने न्यायालय में आत्मसमर्पण नहीं किया, जिसके चलते न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध 82 की कार्रवाई का आदेश पारित हुआ। न्यायालय के आदेश पर जियनपुर कोतवाल यादवेंद्र पांडे ने मंगलवार को उसके घर पर कुर्की की नोटिस चस्पा की। इस संबंध में जियनपुर कोतवाल ने बताया कि आरोपित ना तो गिरफ्तार हुआ न ही न्यायालय में हाजिर हुआ, जिसके चलते यह कार्रवाई की गई है। जियनपुर संवाददाता आदर्श श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़, सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर बेलनाडी आजमगढ़। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास। स्नातक विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। स्नातकोत्तर कला संकाय समाज शास्त्र, गृह विज्ञान। स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय भौतिक विज्ञान,
रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइंड कंपोजिट साइंस लैब, फुली इक्विप्ड कंप्यूटर लैब, फुली फर्निश्ड लाइब्रेरी, एज पर CBSE स्टैंडर्ड्स, आउटडोर एंड इंडोर प्ले फैसिलिटी फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। अवर ब्रांच किड्स पैराडाइज फन ऑफ लर्निंग प्ले ग्रुप सेक्शन ऑफ पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, 200+ डिजाइन एक्टिविटी किट्स एंड प्ले जोन फॉर किड्स पैराडाइज प्ले ग्रुप सेक्शन।